दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहां पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज को रिलीज करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज की हुई है, सॉरी सीरीज भी रिलीज की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को जो कि एक कमाल की सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पर एक कहानी को
दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मीडिया पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार जरूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन एक घंटे की है। पर यह आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके तीन पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे दो पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलेट थी 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे।
फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे, फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है, और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है। वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है, और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। यह एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज़ बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी।
तो फिर आप लोग इसे जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है। वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है, जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पटना कोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेंगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी और से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है, और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें
तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। यह एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है।
और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है, और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं।
अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार जरूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन एक घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके तीन पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे दो पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहां पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है, और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही
वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लैप्टन त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन एक घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके तीन पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे दो पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहां पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे, फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेंगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है
और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है। वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडिया ब्रेव दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है, जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है, और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं,
तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज भी रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है।
और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए,
साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन एक घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है, और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है।
ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लैप्टन त्रिवेड़ी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, कर तकरीबन एक घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहां पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है। वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था।
जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, साथ ही दो आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहदाद के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है।
और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं।
वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडिया ब्रेव दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, कर तकरीबन 1 घंटे की है, पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी
उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनके बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है, पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे।
और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसे लगती है आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्ण दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है, और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा,
मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लैपटॉप त्रिवड़ी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार जरूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको एक घंटे की सीरीज पड़ेगी या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन एक घंटे की है। पर यह आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामाकृष्णा दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनके बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे
मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहदाद के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे, फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज़ को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, कर तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई ही दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामा कृष्णा दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज़ बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर
पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। यह एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनके बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे, और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे, फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर यह आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और सत्य घटना पर भी आधारित है तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी ही कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मिनी टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मिनी टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामा कृष्णा दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार जरूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है, जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। यह एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी, और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो एनडीए का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें टीवी से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी टीवी को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी टीवी के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है, और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी टीवी पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे की है। पर ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है, और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव्स।
तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामा कृष्णा दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसा कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन है नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है। और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज़ भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज़ रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव्स दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनके बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को, जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की इस पैरिक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मिनी TV पर। तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, कर तकरीबन 1 घंटे की है। और ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी, क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है, तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा।
तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने मेजर मूवी को देखा ही होगा, तो आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है और हर इंडियन नागरिक को इस मूवी को एक बार देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है और आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं इस मूवी को देखने के बाद। कमाल की बात तो ये है कि आप इसे फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी क्या है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी जो है मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की या फिर साउथ की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नई मूवीज आएंगी उनके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो है एक टीवी सीरीज है, कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म, और इसके 3 पार्ट आने वाला है। अभी पहला पार्ट आया है, दूसरे 2 पार्ट आएंगे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस मूवी का नाम है रक्षक इंडियंस ब्रेव। तो ये जो थी वो 12 अगस्त को आई थी अमेजन मेन टीवी पर। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो अमेजन मेन टीवी पर जाकर देख सकते हैं, आपको एकदम फ्री में देखने को मिल जाएंगी, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार मिले हुए हैं। अगर हम इस मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी में हमें वरुण मित्रा, कनिका मन, मोहित चौहान, मणिलाल कुलकर्णी, मृणाल चंद्रा, अक्षय बिंद्रा, रामा कृष्णा दीक्षित, उमर शरीफ और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों एक मिनी सीरीज कह सकते हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, पर इस मूवी के अंदर काफ़ी तगड़े VFX यूज किए गए हैं और एक कमाल की मूवी का निर्माण किया गया है। अच्छी बात तो ये है कि सत्य घटना पर आधारित है, तो इसको तो आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी सीरीज बहुत ही कम बनती है जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं क्योंकि एक वॉचेबल सीरीज बनाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी, तो फिर आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। दरअसल इसका मैन जो कॉन्सेप्ट है वो 300 लोगों का होता है, जहाँ पर एक नौजवान 300 लोगों की जान बचाता है और अंत में शहीद हो जाता है, जैसे कि मेजर मूवी में हुआ था। तो यहाँ पर वही आपको देखने को मिलने वाला है। और आए दिन दोस्तों बहुत सारी मूवीज रिलीज होती आ रही है, वैसे में जो अमेजोन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो नई नई सीरीज़ को रिलीज़ करा रहा है और इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक मूवीज भी रिलीज़ की हुई है, सॉरी सीरीज रिलीज़ की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पर। और ऐसी एक कमाल की जो फिल्म है वो आ चुकी है जिसका नाम रक्षक इंडियाज ब्रेव दिया गया है। तो ये एक सत्य घटना पर बनी हुई कहानी है जो जम्मू और कश्मीर पर स्थित रहती है। जम्मू कश्मीर जो स्टेशन था वहाँ पर अटैक हुआ था, यही हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। ये एक असल कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की जो रिलीज डेट थी वो 12 अगस्त थी और अभी अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हैं अमेजन मिनी टीवी से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी क्या है। तो रक्षक का पहला पार्ट यानी कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2004 में 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी सिंह एक ऐसे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 300 लोगों की जान बचाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया गया था, जो कि दोस्तों आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। त्रिवेणी सिंह को उनके बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। त्रिवेणी सिंह अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भी उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था। शहादत के 2 दिन पहले ही जो त्रिवेणी है वो पठानकोट में आर्मी क्लब में अपने परिवार के साथ थे और वे यहाँ नए साल की शुरू का जश्न मना रहे थे। फिर यहाँ पर इसके बाद जो NDA का टेस्ट पास करने के लिए विस्तार में भर्ती हो गए थे। फिर जब उनका नया साल शुरू होने वाला था उससे पहले खत्म हो जाता है क्योंकि 2 दिन बाद ही वे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। त्रिवेणी सिंह की वीरता को मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाया गया है, उकेरा है। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमें TV से या फिर कोई सीरीज से मालूम पड़ता है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जल्द ही मालूम पड़ने वाली है और आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमेजन मिनी TV को जो कि एक कमाल की सीरीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। मेकर्स बोले हैं कि फिल्म हमारी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि। अमेजन मिनी TV के कंटेंट प्रमुख अमोक दूसरा ने कहा है।
कि लैपिन त्रिवेड़ी सिंह की इस पर एक कहानी को दर्शकों के सामने लाना सम्मान की बात है और हम इस फ्रेंचाइजी के माध्यम से ऐसे ही अनुसरण मिशन की कहानी लेकर आएंगे जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अपने प्राणों की आहुति देते हुए वीर भारतीयों ने सैनिकों को यह हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। फिल्म का लोग मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं अमेजन मीडिया पर, तो आप इस सीरीज को दोस्तों एक बार जरूर देखिए, साथ ही में आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तकरीबन ये जो है वो आपको 1 घंटे की सीरीज पड़ेगी, या फिर आप मूवी भी कह सकते हैं, कर तकरीबन 1 घंटे की है और ये आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी क्योंकि तगड़े घुसबंब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और सत्य घटना पर भी आधारित है तो इसे देखना तो बनता है। तो आप लोग इसको देखिए, आपको ये मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग लाइक भी कर सकते हैं।